नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ बता रहे हैं। आज हम आपको क्या बता रहे हैं मित्रों? आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप एक गोलाई में चक्कर लगाते हैं, मतलब जैसे ही मैंने पथ जो बनाया है इस पे कोई चक्कर लगाए, दौड़ रहा हो अगर कोई, तो आपको चक्कर खत्म होने के बाद भी चक्कर आते रहते हैं। छोटे गोले में चक्कर लगाए, बड़े गोले में तो इतना गोले का फर्क नहीं पड़ता। या फिर यूं ही अपनी जगह पर अपनी धुरी पर आप घूम रहे हैं, या फिर झूले पर बैठे हुए यूं घूम रहे हैं, या फिर कम समय में थोड़ा बड़ा गोला उसका भी चक्कर लगा रहे हैं, जैसे मैरी गो राउंड वगैरह जो आपके अम्यूजमेंट पार्क में झूले होते हैं, उन सब में आपको चक्कर आते हैं। कुछ लोग कम आते हैं, कुछ लोग ज्यादा आते हैं, मगर चक्कर आते हैं। इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह है हमारा कान। कान में भी मैं आपको बताऊं, बाहरी कान नहीं, कान के अंदर चलिए। कान के अंदर एक तरल यहां होता है जो आपका संतुलन स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके मस्तिष्क सूचना पहुंचाता है, और जब आप हिलते हैं तो हिलता है और मस्तिष्क को बताता है कि दरअसल शरीर आपका कितने डिग्री पे हिला है या ये, तो दोनों कान मिलकर ऐसे बताते हैं। और आप फिर संतुलन, मनुष्य संतुलन की अद्भुत अवस्थाएं इसी वजह से प्राप्त कर लेता है, इस तरल की वजह से। लेकिन जब आप घूमते हैं तो ये तरल भी घूमता है, अगर घूमना शुरू आप करते हैं तरल भी घूमता रहता है। आप रुक जाते हैं, और आपके रुकने के बाद भी ये तरल घूमता ही रहता है। मतलब आपके मस्तिष्क को संदेश कौन सा जाता है? घूमने वाला जाता है। इसलिए जब आप चक्कर लगा के रुक भी जाते हैं तो भी आपका दिमाग चक्राता रहता है, क्योंकि जब तक ये पदार्थ घूमता रहेगा तब तक आपको मस्तिष्क तो कहेगा ना आप घूम रहे हैं, तो दिमाग उसी तरीके से घूमता रहता है। कभी कभी ज्यादा घूमने पे आपको उल्टियां आने लगती हैं, क्योंकि फिर हमारा शरीर, कई लोगों का शरीर इस चीज को सहन नहीं कर पाता। और इस चीज को पायलट वगैरह जो लोग बनते हैं उनके लिए इस चीज का टेस्ट बहुत जरूरी होता है कि वो इतनी जल्दी उन्हें चक्कर तो नहीं आते। कारण पता लग गया, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी रोचक जानकारी जो बाकी वीडियोस में भी दे रहे हैं, इसमें भी दी है, आगे भी देंगे। लेकिन आपसे अनुरोध, सब्सक्राइब अवश्य करिए, आपको ऐसी चीज़ें हम बताएंगे। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।